फोन क्लास आज बेटा हम पढ़ेंगे पार्ट दो फसलों के त्योहार। पार्ट चैप्टर सेकंड है आपका फसलों का त्योहार। इसके पहले हमने पार्ट एक पढ़ा था राग की रस्सी, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ग्रामर में भी हमारा एक लेसन कंप्लीट हो चुका है। देखिए हमारे भारत देश में फसलों से जुड़े हुए भी कई त्यौहार मनाए जाते हैं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पर फसल आने पर लोग खुशियाँ मनाते हैं और उसको त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सारा दिन बोरसी, बोरसी मीन्स होता है अंगीठी, इसको बरोसी भी कहते हैं। बोरसी, बोरसी मीन्स होता है अंगीठी, ठीक है, या इसको हम सिंगड़ी भी बोलते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता, अर्थात सर्दी का समय है और अंगीठी के सामने सब लोग अपने हाथ सेक रहे हैं। कहाँ तो खिचड़ी के समय, धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए। खिचड़ी का पर्व मतलब जनवरी का माह। यहाँ सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए पूरे 10 दिन हो गए। जनवरी में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है जिसकी वजह से सूर्य निकलता नहीं है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता लग रही है। रह रहकर कानों में चंपा कल के चलने, चंपा कल माने क्या होता है? चंपा कल चलने और पानी के गिरने की तो कभी कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही। हाँकना मतलब जोर से किसी को बुलाना या पुकारना। जा हाँक के देख केरा के पत्ते आई की ना, केरा मीन्स होता है यहाँ पर केला, केला मीन्स केला। क्या कहा जा रहा है कि जाओ हाँक करके देखो कि केले के पत्ते आए कि नहीं। आज ही लोग के उठ के नहीं खा, नहीं खे का मतलब गांव की भाषा में बोला जा रहा है कि आज ही मतलब इन लोगों को उठना नहीं है क्या? अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठे हुए। दादा चाचा ने सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती कुर्ता पहना हुआ था, जो कॉटन के कपड़े होते हैं, सूती कपड़े होते हैं, उनमें कलब या आटे का घोल बना करके पानी में डाल के लगाया जाता है तो उससे कपड़ा टाइट हो जाता है, चमक आती है। खिचड़ी में ऐसा ठाठ हम पहले कब्बो न देखनी, सारा देह कनकना देता, अर्थात इतनी ज़्यादा ठंड है कि पूरा शरीर क्या और ठंड से कांप रहा है। पापा ने कहा सायादार धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है, वो हल्की धोती पहने हुए तो सर्दी बहुत है, वो कपकपा रहे हैं। सामने मछिया, मछिया मतलब होती खटिया जिसके चार पैर होते हैं, बैठने की एक छोटी सी स्टूल टाइप में, खादी की सफ़ेद साड़ी पहने दादी बैठी है। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं क्योंकि त्यौहार का दिन है। छक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुलके बाल, उनके बाल बिल्कुल वाइट है जैसे सेमल की रुई होती है। गौर से देखने पर एक काला बाल नज़र नहीं आता, पूरे बाल उनके वाइट हो गए एकदम से, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हैं, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे, कतार मतलब लाइन से केले के पत्ते रख दिए गए हैं, जिस पर तिल, मीठा मतलब गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा जाता है। खिचड़ी का जब त्यौहार होता है तो हम दान आदि देते, दान दक्षिणा करते हैं, तो नहा करके हम सबसे पहले गुड़, तिल और खिचड़ी को छूते हैं, दान देते हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी को एक जगह इकट्ठा करके
दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दिदिया पूरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद और ना ही खिचड़ी। आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खाना पड़ेंगी, क्योंकि खिचड़ी में सिर्फ खिचड़ी बनती है। खिचड़ी खाने का सभी ने गया से आए तिल गुड़ चीनी के तिलकुट, जो कि तिलकुट क्या होते हैं, जो तिली से बनाई जाने वाली एक तरीके की मिठाई, बड़े चाव से खाए। खाते खाते मैं सोच रही थी कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो हम सभी मना रहे हैं। स्कूल में हम तो खिचड़ी बनाते थे, उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना, उड़ाने की कोशिश करना। जिस दिन खिचड़ी का पर्व होता है, कुछ जगह पर पतंग उड़ाने का भी रिवाज है। विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाव में खिचड़ी बनाते हैं। बीच बीच में पतंगों को सुस्ताने का मौका देते, मटर प्याज छीलने के लिए बैठ जाते हैं, उसमें सब लोग मदद कर रहे हैं। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली, वाकई ढंग कैसा भी हो पर ये खुशियों का त्यौहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, कुछ लोग खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी, सभी प्रांतों इलाकों का अपना अपना रंग अपना अपना ढंग है। क्या खिचड़ी बनाने का त्यौहार मनाने का, इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति, तिल संक्रांत, असम में इसको बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। सब में समानता है, सिर्फ उनके नाम में अंतर है। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशों खरोशों के साथ मनाया जाता है, 4 दिन तक इसका जश्न चलता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी में, मार्च में, ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में, आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासी जो जंगलों में निवास करते, शहरी और ग्रामीण जीवन से ये अलग होते हैं। साल के पेड़ की पूजा होती है, यही समय जब साल के पेड़ में फूल आने लगते हैं। मौसम बहुत ही खुशनुमा, स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, करीने से गुहारे गए सजाए गए घर, घरों के सामने पक्की और कमर में बाहें डाले नृत्य करते लोग, जो आदिवासी लोग होते। घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम क्या मांगते, मुर्गा चावल मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन पूजा होती है, इसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल लगाते हैं। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत भी हो जाती है। धान की भी पूजा होती है, पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है, मतलब बीज रख लिया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें जैसे चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें चावल, दूध और गुड़ डालकर पकने के लिए धूप में रख देते। हल्दी शुभ मानी जाती है, साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध दिया जाता है। मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगते। पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते, लोग खुशियाँ मनाने लगते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना मकर संक्रांति अधूरी मानी जाती है। गुजराती किसी भी धर्म जाति आयु का हो, पतंग उड़ाता है। इतनी पतंगें होती कि लगता आसमान ढक गया है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को भुगुतिया भी कहते हैं।
इस दिन आटे गुड़ को गूंथकर पकवान बनाया जाता है। पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल। दाड़िम मीन्स अनार। क्या होता है दाड़िम? माला के बीच में संतरा गन्ने की गडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों पर चले जाते हैं। बुलाने के लिए माला से पकवान को तोड़कर ये पक्षियों को खिलाते हैं। कौआ आओ, घूघूत आओ, ले कौआ बड़ो, माँ के देजा सोने का घड़ो, खा ले पूरी माँ के देजा सोने की छुरी। इस तरीके से गीत गा करके पक्षियों को बुलाया जाता है। इसी के साथ जिस चीज़ की कामना हो वह भी चीज़ मांगी जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने कि आज हमने मकर संक्रांति या फसलों से जुड़े हुए त्यौहार के विषय में पूछा। अब देखिए प्रश्न एक है जिसका आंसर आपको लिखना है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ना निकले? बहुत बार ऐसा होता है कि सूरज नहीं निकलता है। करेंगे।